नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। यूं तो कोरोना का कहर भारत समेत पूरी दुनिया पर बरपा, लेकिन इसने सबसे ज्यादा तबाही पश्चिमी देशों में मचाई थी, जहां एक वक्त पर एक दिन में इस वायरस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। कोरोना तो फिलहाल शांत है, लेकिन अब इन्हीं पश्चिमी देशों को एक नई बीमारी ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मंकी पॉक्स नाम की इस बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी इसका मामला सामने आया है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बुधवार को एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण की पुष्टि की। इस शख्स ने हाल ही में कनाडा की यात्रा की थी। मैसाचुसेट्स डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज में कहा कि शख्स की प्रारंभिक जांच जमैका की एक लैब में हुई, जबकि वायरस की पुष्टि US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC में हुई। फिलहाल CDC स्थानीय हेल्थ बोर्ड्स के साथ मिलकर उन लोगों की पहचान कर रहा है जो उस शख्स के संपर्क में आए थे। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक इस मामले में आम जनता को कोई खतरा नहीं है। शख्स अभी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि चिकन पॉक्स या काउ पॉक्स का नाम तो हमने सुना है, लेकिन मंकी पॉक्स भला किस भला का नाम है? ये कितनी खतरनाक है, कैसे फैलती है और इसके इलाज और लक्षण क्या क्या हैं? इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पहली बार ये बीमारी साल 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में ये संक्रमण पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण देखे गए थे। WHO के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। तब कांगो के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में यह संक्रमण मिला था। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में इंसानों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। इसके बाद सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए। मई 2019 में सिंगापुर में भी नाइजीरिया की यात्रा कर लौटे लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के खून, उसके शरीर का पसीना या फिर कोई और तरल पदार्थ या उसके घावों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अफ्रीका में गिलहरियों और चूहों के भी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिल चुके हैं। अधपका मांस या संक्रमित जानवर के दूसरे पशु उत्पादों के सेवन से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के मामले अब तक इस मामले में बहुत कम सामने आए हैं। हालांकि संक्रमित इंसान को छूने या फिर उसके संपर्क में आने से संक्रमण जरूर फैल सकता है। इतना ही नहीं, प्लेसेंटा के जरिए मां से उसके भ्रूण यानी कि जन्मजात मंकी पॉक्स भी हो सकता है। अब बात अगर इसके लक्षणों की करें तो मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक का होता है। कई बार 5 से 21 दिन तक का भी ये पीरियड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में कितने दिन लगे। संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा ही दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू होता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पर छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद सूख कर गिर भी जाते हैं। शरीर पर उठने वाले इन दानों की संख्या कुछ 1 से लेकर 1000 तक हो सकती है। अगर संक्रमण गंभीर हो जाता है तो ये दाने तब तक ठीक नहीं होते जब तक कि त्वचा ढीली ना हो जाए। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित हर 10वें व्यक्ति की मौत हो सकती है। मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के 2 से 4 हफ्ते के बाद लक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। छोटे बच्चों में गंभीर संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कई बार ये मरीज के स्वास्थ्य और उसकी जटिलताओं पर भी निर्भर करता है। जंगल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में मंकी पॉक्स का खतरा ज्यादा बना रहता है। ऐसे लोगों में एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण भी हो सकता है। चेचक के खत्म होने के बाद इस बीमारी का वैक्सीनेशन भी बंद हो गया है, इसलिए 40 से 50 साल तक कम उम्र के लोगों को मंकी पॉक्स का खतरा ज्यादा बना रहता है।
तो आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर जो जानकारी मौजूद है उसको माने तो अभी मंकी पॉक्स का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है। हालांकि चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के संक्रमण के खिलाफ 85% तक असरदार जरूर साबित हुई है, लेकिन अभी चेचक की वैक्सीन भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। 2019 में चेचक और मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो आपको मंकी पॉक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।